3 नवंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे इतनी सारी चॉकलेट्स मिली है। और अभी मैं अटेंड करके आई हूँ मैरिज, और अब हम लोग जाएंगे नानी के वहाँ। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर मम्मी के यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बर्थडे पार्टी नहीं थी, एक छोटा सा ऐसे ही हम लोग ने सेलिब्रेशन रखा था, और एलिजा ने और उसकी मामी ने मिलके ये डेकोरेशन किया था। एल्सा एंड आना, तो उसी थीम का मैंने केक बनवाया था उसके लिए। एल्सा एंड आना के सारे कैरेक्टर्स डलवाए थे उसके ऊपर, और फिर हमने केक कटिंग शुरू की। Happy birthday to you, happy birthday dear Eliza, happy birthday to you. अरिश, तूने क्यों केक कटिंग में नहीं था? हाँ, अरिश क्यों केक कटिंग में नहीं था? यहाँ पर सूरत में मेरे मम्मी पापा का घर है खुद का, तो मैंने सोचा कि बॉम्बे का घर तो आप सब देख ही चुके हो, मैं आपको उनके सूरत के भी घर का होम टूर दे दूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस से। ये है मेन गेट, एंट्रेंस है, और आगे अब अंदर जैसे आप एंटर होते हैं, यहाँ पर इन्होंने बनाया है शू रैक, शूज़ का एक कंपार्टमेंट बनाया है जहाँ पर सारे पॉलिश भी रखते हैं, शू पॉलिश, शू का ब्रश और पूरा शूज, मतलब बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और ये फ्रेम यहाँ पर लगाई हुई है, येलो लाइट्स है पूरे इसमें घर में। और एंड देन कम्स अ मिरर, ये हमारा फोटो स्पॉट है, यहाँ पर हम सारे लोग रेडी होने के बाद अगर कहीं भी जाना हो यहाँ पर ही फ़ोटो लेते हैं, और यहाँ फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं बिकॉज ऑफ द लाइटिंग। और ये है इनका हॉल रूम, तो हॉल रूम में भी आप देख सकते हैं पूरा वाइट कॉन्सेप्ट किया है मेरे डैड ने, पूरा वाइट सोफ़ा, वाइट पेंट। और ये जो पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ इन लोग बॉम्बे से लाए हैं, मतलब बॉम्बे का पूरा। और इंटीरियर डिज़ाइनर जो था इनका, वो भी बॉम्बे का था। और ये है डाइनिंग एरिया, यहाँ पर पूरा मतलब एक ही रूम है, लाइक जो हॉल रूम डाइनिंग एरिया पूरा एक ही है, सो यू कैन हैव अ लुक। और ये जो लाइट वगैरह सब है, ये सब मेरे भाई ने और मेरे डैड ने हर एक छोटी छोटी चीज़ पूरा घर के हिसाब से इन लोगों ने बताया है। और ये जो झूमर है, ये मेरा फेवरेट है पूरे घर में। ये मम्मी का किचन है, मेरी मम्मी को ऑर्गेनाइजेशन बहुत पसंद है, मतलब हर चीज़ उनकी ऑर्गेनाइज्ड रहती है। तो आप देख सकते हैं फ्रिज भी, फ्रिज के अंदर भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रखा है उन्होंने, हर चीज़ एक बास्केट में, कोई लॉक एंड लॉक के डब्बे में, मतलब एक भी चीज़ इधर की उधर उनको नहीं पसंद। और ये है फ्रीज़र, तो मैंने ओपन करके नहीं दिखाया अंदर से। और ये इनका किचन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेनाइट भी कितना अच्छा है डार्क कलर में। और यहाँ पे मिक्सर वगैरह सब रखते हैं ऊपर। और ये किचन में चिमनी है, ये बिल्डर ने सारे लोगों को लगा के दी थी बिल्डिंग में पहले से ही। और ये काफ का इनका गैस स्टोव जो है वो काफ का है। और यहाँ पर अंदर एक छोटा सा बाथरूम दिया है फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड ऑल, यहाँ पे इन्होंने वॉशिंग मशीन भी रखा है क्लोथ्स के लिए। और ये है स्टोर रूम,
स्टोर रूम थोड़ा ठीक करना मम्मी का बाकी था, सो इग्नोर द मेस, बट स्टोर रूम्स तो ऐसे ही होते हैं ना। हियर कम्स माय ब्रदर्स रूम, ये मेरे भाई भाभी का रूम है। इस रूम में भी आप देख सकते हैं, ये आरिस फिर आ गया मेरे वीडियो में, और इस रूम में भी आप देख सकते हैं कि सीलिंग कितना अच्छा किया है एकदम। इसका भी कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस घर को बन के 3 इयर्स हो गए, बट क्या लगता है कि इस घर को 3 to 4 इयर्स हो गए बन के? मुझे तो नहीं लगता, ये आज भी नया ही लगता है माशाल्लाह। और इसका ये बेड स्प्रेड है, ये सारा कुछ इन लोग ने बॉम्बे से लिया था, इरला से। और ये कारपेट भी आप देख सकते हैं। और मेरे भाई को वुडन फ्लोरिंग करवाना था, तो उसने पूरा वुडन फ्लोरिंग रखा है, और उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो कर्टन्स है, फर्नीचर है और पेंट है, सब उसके हिसाब से रखा है। उसको वुडन फ्लोरिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। बेडरूम के बाद बाथरूम जो अटैच्ड है मास्टर बेडरूम में, वहाँ पे अंदर इनको एक अलग से ये रूम दिया हुआ है, जहाँ पे कबर्ड भी है फॉर कीपिंग ऑल द टॉयलेटरीज और टॉवल्स रखना हो उसके लिए, प्लस चेंजिंग रूम भी। यह कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द हाउस, मेरी मॉम डैड का रूम। ये रूम सबसे बड़ा है पूरे घर में, तो ये मेरे मम्मी पापा का रूम है। और ये जितने भी कारपेट्स और बेड स्प्रेड्स आप देख सकते हैं, ये सारा कुछ ये लोग बॉम्बे से लाए हैं, कोई भी सूरत की चीज़ें नहीं यूज़ की है, सब कुछ इन लोग ने बॉम्बे से लाए थे। आई थिंक इवन द लाइट्स, लाइट्स का मुझे पूछना पड़ेगा, बट मेरे को लगता है बॉम्बे की है ये सारी भी। और आप लोग आगे रूम देख सकते हैं। ये मेरा और मेरी सिस्टर का रूम है, जब भी हम यहाँ आते हैं हम इस रूम में रुकते हैं। तो ये हमारी कबर्ट, हमारा बेड, और हमारा ही भी एक पर्सनल स्पेस होता है जब भी हम यहाँ आते हैं। और ये रूम का जो कॉन्सेप्ट है, ये पर्पल दिया हुआ है, तो गर्ल्स के हिसाब से एकदम कलर दिया है। और यू कैन सी द वॉल क्लॉक, एंटिक टाइप की वॉल क्लॉक, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये। और कितना अच्छा लग रहा है ये रूम, इवन इसके कर्टन्स, कर्टन्स भी रूम का जो कलर है क्रीम उसके हिसाब से, और पर्पल जो फर्नीचर है उसकी डिज़ाइन दी हुई है कर्टन्स के ऊपर, विच मेक्स इट लुक मोर अट्रैक्टिव। और जो बेड स्प्रेड आप देख सकते हैं वो भी इसके मैचिंग, और जो कारपेट नीचे है वो भी पूरी मैचिंग है। तो हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का इन्होंने ध्यान रखा है। और ये मेन डोर जो है उसके पास का एंट्रेंस मैं शूट करना भूल गई थी, तो मैंने घर के बाहर से तो मैंने ले लिया था, पर घर के अंदर से भी मैंने यहाँ पे एंट्रेंस लिया है। ये येलो लाइट्स इधर भी इन्होंने लगाई हुई है। और ये जो है ये गैलरी है, बहुत बड़ी गैलरी दी है इन्होंने। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको। और आरिज आप देख सकते हैं, उसको मैंने मना किया था कि तू मेरे वीडियोज में मत आ, उसको मैंने एक रूम में कर दिया था, बट उसको हर जगह वीडियो में आना है। तो चलो अब आरिस के साथ ही देख लो वीडियो। और ये मैंने गैलरी में से शूट किया है पूरा हॉल रूम। हमने व्यू लिया है, वो गार्डन व्यू है, तो गैलरी में से पूरा गार्डन दिखता है। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि मैं अपने इंस्टा स्टोरी पे डालती हूँ, और पता नहीं मुझे यहाँ गैलरी में बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है। आई लव दिस प्लेस। इमरान हमको नानावड़ी लेके आए थे लाजपुर में, और जैसे एलिजा का बर्थडे था आपने देखा था, तो यहाँ पर हम आए थे रात को डिनर करने, और नानावड़ी में बच्चे लोग थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे उनकी राइड्स पे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, तंदूर हट वाले वीडियो में,
बच्चों को खाना पीना इतना शौक नहीं है जितना राइड्स इंजॉय करने का शौक है। और यहाँ पर मैंने नानावड़ी की कुछ वीडियो क्लिप ली थी। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है जहाँ पर एलिज़ा को लेकर मैं टॉयज़ वर्ल्ड में आई थी अड़ाजन पे। एक्चुअली बर्थडे के दिन संडे भी था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, एक मैरिज भी अटेंड करनी थी, तो मैं नेक्स्ट डे उसको बर्थडे गिफ्ट दिलाने के लिए लेके आई थी इस टॉय शॉप में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उसने क्या पसंद किया। उसने एक्चुअली टेंट लिया था, टेंट हाउस, उसका वीडियो तो मैंने नहीं लिया बिकॉज वो शॉपकीपर अलाउ नहीं कर रहा था हम लोग को ज़्यादा वीडियो लेने के लिए। तो भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत जो मैं ले पाई हूँ। और अलीना भी जिद करने लग गई थी कि उसको भी टॉयज़ चाहिए, तो मैंने उसको समझा दिया कि अब तेरे बर्थडे पे तुझे लेकर आऊँगी। सो आई होप गाइज आपको मेरा ये रैंडम व्लॉग पसंद आया होगा, छोटा सा मेरा व्लॉग। तो अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसकी वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।